असल क्लास इज दस लेक्चर फॉर टूडेजी टू मई टू थाउजेंड टी एंड सेटरडे एज नो वी आयर टू लाइफ एंड लविंगे वी डू समर वन दर इज दाइफ प्रोसेस सो हेयर वी है फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज दस्ट वाई एन एनीमल्स नीड टू मूव क्विकली अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया है कि एनिमल्स जो हैं उन्हें क्विकली मूव क्यों करना पड़ता है अब यहाँ पे दो रीजंस हैं हमारे पास के एनिमल्स जो है उन्हें क्यों क्विकली रन करना पड़ता है एक तो क्विकली uh, मूव इसलिए करते हैं ताकि उन्हें चाहिए फूड ठीक है और दूसरा uh, कुछ इसलिए क्विकली मूव करते हैं ताकि वो क्या कर सकें खुद को प्रोटेक्ट कर सकें यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है लॉइन और डियर की फॉर एक्ज़ाम्पल लॉइन जो है लॉइन क्विकली मूव टू कैच द डियर और डियर क्विकली मूव टू सेव दमसाव ठीक है अब यहाँ पे लॉइंस जो है वो क्या कर रहा है तेजी से भाग रहा है किसके पीछे डियर के पीछ, पीछे हिरन के पीछे ताकि वो उसे क्या कर सके खा सके ठीक है और दूसरी जानब जो डियर है वो क्विकली रन कर रही है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके खुद को सेव है? तो कर सके ठीक है तो एनिमल्स जो हैं वो इसलिए ही मूव करते हैं ताकि वो क्या कर सके हंटिंग कर सकें खुद को और खुद को प्रोटेक्ट कर सके क्लियर आई रीड इट फॉर यू एनिमल्स नीड टू मूव क्विकली फॉर हंटिंग एंड सेविंग दमसावस क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर टू वाई डू एनिमल्स ईट फूड अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो खाना क्यों खाते हैं ठीक है उन्हें खाने की क्यों जरूरत होती है अब एनिमल्स जो हैं हमें पता है कि एनिमल्स जो हैं जब हम खाना खाते हैं एनिमल्स खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है इनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं यूटिलाइज़ करते हुए हम रोजमर्रा के काम जो हैं उससे सर अंजाम देते हैं अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक दिन आ, सारा दिन आपको खाना ना दिया जाए तो उससे क्या होगा आपको आ, आपकी बॉडी में जो है वो इनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी ठीक है ज़ाहिर फूड होगी तो फिर ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो जब आपको खाना ही नहीं मिल रहा तो आपको एनर्जी कैसे मिलेगी और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप सारा दिन जो है वो डल डल रहोगे कोई भी काम नहीं कर पाओगे तो इसीलिए एनिमल्स जो है वो इसलिए जो है उन्हें ज़रूरत होती है फूड की ताकि वो क्या कर सकें इनर्जी गेट कर सकें और क्या कर सकें मूव कर सकें और अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उन्हें कर सकें क्लियर आई रीड इट फॉर यू Animals eat food for energy to grow, to move and to enable the body to work properly. Clear? And the next question is the question number 3 Name one thing that plant plants excrete. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई एक चीज बताएं, एक चीज का नाम बताएं जो के plants जो हैं वो excrete करते हैं, ठीक है? अब प्लांट्स जो हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं उससे हम देखते हैं प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं फ़ोटो के अंदर वो अपनी फूड बनाते हैं ठीक है अब फोटोसिंथेसिस होती किस तरह से है प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट लेते हैं सन से ठीक है और रूट से वो वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं फिर एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और क्लोरोफिल जो है वो लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है ठीक है ये मिलके क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके अंदर बनती हैं दो चीज़ें ठीक है एक तो बनता है ग्लूकोज ठीक है जो प्लांट्स की फूड होती है और दूसरी होती है ऑक्सीजन ठीक है अब प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को तो यूटिलाइज कर लेते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो है उनकी फ़ूड है और वो प्ला, तमाम प्लांट्स पार्ट्स के अंदर प्लांट सप्लाई कर देता है और फिर उसे यूटिलाइज करते हुए वो ग्रो करता है लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो अम, उसका जो है एज अ वेस्ट मेट बाई प्रोडक्ट होती है ठीक है उसे इतनी ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन की और वो ऑक्सीजन जो है वो क्या कर देता है एक्सक्रीट कर देता है ठीक है प्लांट जो हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं उन्होंने एक चीज़ पूछी है तो हमने एक चीज़ बता दी डायरिजी ऑक्सीजन और वो फोटोसेंसिस प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन जो है वो एक्सक्रीट कर देते हैं और वही ऑक्सीजन जो है वो हम इनटेक कर लेते हैं ठीक है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम क्या एक्सक्रीट करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स ले लेते हैं ठीक है और प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन क्लियर आई रीड इट फॉर यू क्वेश्चन नंबर थ्री नेम वन थिंग डेट प्लांट्स एक्सक्रीट एंड द आंसर इज प्लांट्स एक्सक्रीट ऑक्सीजन क्लियर अब आपने क्या करना है ये तीनों क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से इनको लर्न करना है और आपने इनको जुबानी लिख के जो है वो स्कूल में अपनी असाइनमेंट जो है वो सेंड करनी है नेक्स्ट सैटरडे वाले दिन क्लियर हेयर आवर लेक्चर इज फिनिश अल्लाह हाफिज़